गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एडी करेंट्स का कंसेप्ट देखा था। एडी करेंट्स बेसिकली क्यों फॉर्म होते हैं। ओके, एडी करेंट्स फॉर्म होने की वजह से लोग बोलते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था, और एडी करेंट्स किस में फॉर्म होते हैं और बेसिकली कंडीशन क्या है एडी करेंट्स फॉर्म होने का। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने पीस ऑफ मेटल, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि मेटल जो है तो उसमें क्या रहता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पीस ऑफ मेटल हम लोग बोलते हैं व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोगों ने उसको अप्लाई करके रखा। हम लोग बोलते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं स्मॉल सर्कुलर लूप में घूमना चालू करते हैं। ओके, और ये एक लूप नहीं, ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ लूप्स बनाते हैं, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एडी करंट्स। ओके, यस, तो ये तो कंसेप्ट हम लोगों ने कल देखा था। एडी करंट्स को वी ऑल्सो कॉल इट एज फोकॉल्ड्स करंट। ओके, यस, एनी वे हम लोग बोलते हैं जब एडी करंट्स फॉर्म होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी फॉर्म होती है। ओके, जो भी मेटल शीट या मेटल ऑब्जेक्ट या फिर हम लोग बोलेंगे जैसे स्क्रैप मेटल है, ओके, तो इंडक्शन फर्नेस का हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा, उसमें हम लोगों ने यही जो कंसेप्ट है कि एडी करेंट्स क्या करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है वो अप्लाई किया था। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है जो एडी करेंट्स है जब वो फॉर्म होते हैं तो बेसिकली उसका रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज एसोसिएटेड। हम लोग बोलते हैं ये जो एडी करेंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसका मतलब क्या, तो जैसे लेंथ लॉ होता है, लेंस लॉ क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं कि एडी करेंट्स भी जो है, ओके, वो लेंस लॉ फॉलो करते हैं, यानी जो चेंज इन फ्लक्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है वही चेंज इन फ्लक्स को क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट, ओके, हम लोगों ने कल कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे, और वो एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन था दैट वॉज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन था दैट वॉज यू इंडक्शन फर्नेस, हम लोग इंडक्शन हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन था दैट वाज इलेक्ट्रिक और यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रेक्स। अब ये किस में अप्लाई होता है, तो हम लोग बोलते हैं लोकोमोटिव्स, यानी जो ट्रेन होता है। ठीक है, तो ट्रेन का जो मेन एक्सल रहेगा, ठीक है, जो बाकी व्हील्स को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो उसको देते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, वो सप्लाई को शॉर्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, शॉर्ट नहीं हम लोग बोलते हैं उसको कट किया जाता है। ओके, यस, और हम लोग बोलते हैं कि वो जो एक्सल है तो एक्सेल को क्या रहता है, एक लार्ज ड्रम लगा रहता है। ओके, और वो जो लार्ज ड्रम है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। हम लोग बोलते हैं कि ये ड्रम जब उसमें रोटेट होता है, ओके, हम लोग बोलते हैं देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द ड्रम। फील्ड कॉन्स्टेंट है लेकिन वो ड्रम अभी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हम लोग बोलते हैं अगर इफ देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड एंड द ऑब्जेक्ट तो भी हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लॉजिक की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ड्रम है उसके अंदर क्या जनरेट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एडी करेंट्स। ठीक है, और ये एडी करेंट्स क्या करते हैं, ओके, ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो रिलेटिव मोशन है, यानी जो रोटेशन मोशन है ड्रम का, उसको वो अपोज करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे ड्रम रेस्ट पे आता है तो एक्सेल भी क्या है, तो एक्सेल को ड्रम क्या है, हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड है। जैसे ड्रम रेस्ट को आएगा तो एक्सेल भी क्या है, जो एक्सेल रोटेट हो रहा है वो भी रेस्ट को आ जाता है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं इस तरह से जो ट्रेन है या लोकोमोटिव है वो स्टॉप होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोगों ने एक और एप्लीकेशन देखा था, दैट वाज स्पीडोमीटर। ठीक है, यस, तो आई होप आपको ये एडी करंट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हम लोग आज वापस देखने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका क्या किया है, रिविजन ले लिया। ठीक है, यस, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। यस, तो सेल्फ इंडक्शन का जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्किट कंसीडर किया था जिसमें हम लोगों ने इंडक्टर कॉइल लिया था। अब ये जो इंडक्टर कॉइल है तो बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज अ कॉइल विच इज हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, और ये जो कैपिटल एल है, तो ये कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो जब ये की के क्लोज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसमें से एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, लेट अस से ये हमारा सर्किट है, तो मैंने ये सेल लगाया हुआ और यहाँ पे मैं प्लग की दिखा देता हूँ, और ये आपका इंडक्टर कॉइल है, और मैंने बेसिकली प्लग की क्या किया हुआ, इंसर्ट किया हुआ, यानी अभी सर्किट क्या है, कंप्लीटेड है, इसमें से एक करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आई। ओके, जब आई हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टर कॉइल में से फ्लो होता है, इंडक्टर कॉइल या कोई भी कंडक्टर में से बेसिकली जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या है, डीसी का है, डीसी यानी क्या, डायरेक्ट करंट। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होने वाला। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो ओके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ओस्टेड ने क्या बोला था, इफ अ कंडक्टर इज कैरिंग करंट आई,
यूजिंग राइट हैंड रूल हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या जनरेट होता है, उसके अराउंड, अंदर नहीं सॉरी, उसके अराउंड क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। आपको आ रहा है समझ में? हम लोग बोलेंगे कि जो इंडक्टर कॉइल है इसमें से हम लोग बोलेंगे करंट आई फ्लो होने वाला है, तो वो भी क्या करेगा, अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, या हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। एंड वी से फाई इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल। ये क्लियर है? तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू वॉट आई। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालता हूँ तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एल। अब एल इज वॉट, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सेम जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, कंसिडर अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड अ की के इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, व्हेन द की के इज क्लोज्ड, ओके, द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो वैल्यू, इंक्रीज इन करंट अगेन प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, ओके, दस ड्यूरिंग द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब ये बेसिकली क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि जो डीसी करंट इटसेल्फ है, तो डीसी करंट में भी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि करंट जो है वो जीरो से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ डीसी करंट इज ऑफ 5 एम्पियर, लेकिन हम लोग जब की को क्लोज करते हैं तो एकदम छोटे टाइम इंटरवल में हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का वैल्यू 0 एम्पियर से 5 एम्पियर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यस, हम लोग बोलते हैं दिस इंक्रीज इन द करंट अगेन प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेम कॉइल, ओके, दस ड्यूरिंग द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट इन द कॉइल एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ओके, फॉर दिस रीजन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। ये क्लियर है? तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन क्या है, ओके, हम लोग बोलते हैं द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, therefore phi is equal to capital L into I, the capital L is called as coefficient of self induction or it is called as self inductance, okay, ab hum log kya bolenge, okay, the value of L increases significantly if the materials like iron, cobalt or nickel are used as, okay, yes, to ye hum log abhi baad mein discuss karenge, sabse pehle ye jo derivation hai wo ek bar dekh lete hain, ye kal bhi dekha tha hum log, main bolunga by Lenz law B se कि पहले तो मैं ये बोलूंगा इफ द करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आल्सो चेंजेस, हेंस ईएमएफ ई इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और हम लोग बोलेंगे बाय लेंस लॉ ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाय डी टी, दैट इज, ओके, अगर मैं डी फाई बाय डी टी कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे मैंने फाई का इक्वेशन लिखा है, फाई इज इक्वल टू व्हाट, एल इन टू आई, मैं बोलूंगा डी फाई बाय डी टी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, एल कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, di by dt, यही जो वैल्यू है उन लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ओके, सो व्हाट दे गेट इज e इज इक्वल टू माइनस एल डी बाय डी टी। नेगेटिव साइन शोज दैट e इज अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या कर रहा है, बेसिकली अपोज कर रहा है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ e इज गोइंग टू बी व्हाट, कैपिटल l into di by dt, और यू कैन से कैपिटल l इज इक्वल टू व्हाट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ e अपॉन di by dt। ठीक है, ये क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने कैपिटल एल क्या डिफाइन किया, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, एल इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अच्छा, अभी इसमें एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि हम लोग बोलते हैं जो एल है यानी सेल्फ इंडक्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं L can be expressed as volt per ampere second, okay? यानी volt per ampere per second, okay? इस तरह से होना चाहिए, that is volt second per ampere, और you can say, हम लोग बोलते हैं volt per ampere क्या होता है, तो it is ohm, ohm into second is nothing but Henry, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बोलते हैं इसको यहाँ पे हम लोग justify कैसे करेंगे, okay? So basically, आप अगर L को देखोगे, okay? So d phi by dt क्या है? We are saying considering only magnitude. It is going to be small e, okay? Therefore, can I say L will be equal to E upon di by dt? Now, basically E EMF है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो ऐसा unit आएगा, वो क्या आएगा? It will be volt.
डीआई यानी चेंज इन करंट, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी एम्पियर। ये जो वोल्ट है उसका वी स्मॉल में आपको निकालना है, और हम लोग बोलेंगे जो डीटी है वो किस में रहेगा, इट विल बी इन सेकंड। तो बेसिकली वोल्ट पर एम्पियर व्हाट वी से, इसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, वोल्ट पर एम्पियर, और ये जो पर सेकंड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनटू सेकंड हो जाएगा। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है ये हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट ओम, तो दिस इज ओम इनटू सेकंड। तो इसको अगर सिंबल फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये रहेगा ओम इनटू सेकंड। दिस ओम इनटू सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एच व्हिच इज हेनरी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं एल की, ठीक, तो डायमेंशन ऑफ एल क्या रहने वाला है, इट विल बी कैन से डायमेंशन ऑफ ईएमएफ ई अपॉन डायमेंशन ऑफ डीआई बाय डीटी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायमेंशन ऑफ ई देख लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ई यानी क्या, एक तरह से वोल्टेज ही है, ओके, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वी इज व्हाट, इट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये आपको आ रहा है समझ में। तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ वी निकालता हूं तो इट विल बी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। नाउ व्हाट इज डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, तो विल से इट इज एल टू एम वन टी माइनस टू। Now this is what W is what work done per unit charge. ये आपको आ रहा है समझ में। हम लोग बोलते हैं W is work done and Q is what, okay, it is charge. So we say the potential difference V is work done per unit charge. Charge के dimension क्या आएगी, तो मैं बोलूंगा it will be I1 T1. Because हम लोग बोलते हैं charge क्या होता है, it is current into time. Or you can say current is what, rate of flow of charge with respect to time, यानी Q upon T. तो Q क्या मिलेगा आपको, I into T. Therefore we'll say dimension of V will be equal to what, so it will be L2 M1, अब ये जो T minus 2 है वो हो जाएगा T minus 3, और I1 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा I minus, ठीक है। अब ये जो है ये dimension आप लोगों ने यहाँ पे use करना है, तो EMF का जो dimension है वो आएगा आपका L2 M1 T minus 3 I minus 1 whole upon जो DI है यानी change in current, उसका डायमेंशन क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी आई वन अपॉन डी टी। अपॉन डी टी यानी क्या, तो यहां पे इसका डायमेंशन होगा टी माइनस वन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, एल टू वैसे ही रहेगा एम वन आपका वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये जो टी माइनस वन है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन यानी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम टी माइनस टू, ओके। और आई वन है, सॉरी आई माइनस वन है, माइनस वन, और ये आई वन जो नीचे का है ऊपर जाके वापस माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई माइनस टू। तो हमारा अभी डायमेंशन क्या आ रहा है, एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू, ये क्लियर है आप लोगों को। तो दीज आर वॉट, दीज आर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। A coil with self-inductance capital L is called as inductance coil or inductor, ठीक है। Self-inductance in any circuit is property of the circuit which tries to oppose any change of current in the circuit, ये ध्यान में रखना है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि inductance यानी compulsory नहीं एक inductor coil होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं self-inductance in any circuit is the property of the circuit which tries to oppose any change of current in the circuit. Hence the role of inductance coil or inductor is similar to that of inertia of a body in mechanics. Therefore, self-inductance is also called the measure of electrical inertia. Okay? ये जो statement है ये आप लोगों ने क्या करना है, note करके रखना है, ये बहुत important है। उसके बाद ये paragraph देखो, इसमें कुछ applications दिए हैं। We know that chokes are used in fluorescent tubes, mercury lamps, और इसको हम लोग बोलते हैं choke coil. Choke coil is nothing but a coil of large number of turns of insulated copper wire bound on insulating cylinder. It plays a role of opposition in AC circuit as resistor in DC circuit. Choke coil controls the current to maintain discharge uniform. Okay? If we use resistor instead of a choke coil to control AC, then wastage of electrical power due to joules heating is more. Okay? हम लोग बोलते हैं कि जो काम resistor का, okay, DC circuit में होता है, choke coil का क्या होता है, AC circuit में होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि when we use choke coil, हम लोग बोलते हैं there is no wastage of electrical power or electrical energy in terms of heat. Electrical resistance अगर use करेंगे
ओके, तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारे एनर्जी हीट में डेसिपेट हो जाए। इन फ्लोरोसेंस ट्यूब चोक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज टू डिक्रीज द करंट ऑफ एसी मेंस विदाउट वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर। इफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एसी मेंस इट विल ड्रॉ लार्ज करंट एंड मे गेट डैमेज। ओके यस, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोग बोलते हैं व्हेन टू कॉइल्स आर केप्ट नियर ईच अदर एंड करंट इन वन ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग then EMF is induced in the neighboring coil. This phenomena is called mutual induction. Okay? अब ये देखिए basically क्या है, हम लोग बोलते हैं EMF is connected to what? Primary coil. ठीक है? Yes, अब जब key के close करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो primary coil है okay? तो उसके साथ associated जो current रहेगा okay? उसका value zero से क्या होगा, suddenly increase होगा। जब उसका value okay? अभी यहाँ पे DC है तो मैंने जो आपको example दिया था 0 से 5 ampere, वही example आप लोगों ने लेना है। तो करंट का वैल्यू जब 0 से 5 एम्पियर इंक्रीज होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वो जो फ्लक्स है उसके विसिनिटी में क्या है, हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, व्हेन द की के इज क्लोज्ड द गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन एंड व्हेन द की इज मेड ओपन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या, ये आपको बताता हूँ। जब की के क्लोज हुआ तो इनिशियली क्या हुआ, जीरो से करंट का वैल्यू 5 एम्पियर बना। अब जैसे ही जीरो से 5 एम्पियर बना तो हम लोग बोले चेंज इन क्या हुआ, ओके करंट भी हुआ और साथ में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी हुआ। ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी विसिनिटी में क्या है, हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लोगों ने रखा था तो उसके वजह से क्या होता है, उसमें EMF जनरेट होता है और वो EMF जनरेट होने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताता है। लेट अस से जो डिफ्लेक्शन है हम लोग बोल रहे हैं टुवर्ड्स राइट है, मैं आप लोगों के राइट के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, यस। अब क्या हो रहा है, ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है यानी वापस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर रहता है वो जीरो पे आ जाता है। ओके यस, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एक बार 5 एम्पियर का करंट अटेन हो गया ओके तो वैल्यू क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यानी अभी चेंज इन फ्लक्स नहीं रहने वाला तो सेकेंडरी कॉइल में EMF भी जनरेट नहीं होगा। तो जस्ट EMF हम लोग बोलते हैं तब तक जनरेट होता है जब तक चेंज इन फ्लक्स रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये की को ओपन करते हैं। की ओपन करते हैं तो क्या होता है, करंट 5 एम्पियर से हम लोग बोलेंगे वापस 0 एम्पियर पे आएगा। अब जैसे 5 एम्पियर से 0 एम्पियर पे आता है तो ये केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू पहले इंक्रीज हो रहा था, मोमेंटरीली क्यों ना हो लेकिन वो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए डिफ्लेक्शन जो था वो टुवर्ड्स राइट था, ये आपके राइट में बता रहा हूँ। अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये आपको आया समझ में, ओके यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो वी से द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट और जीरो, नो डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन एंड द कॉइल्स आर सेट टू हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड EMF इन वन कॉइल due to change in current in the neighboring coil. ठीक है, अब इसका explanation इस तरह से दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे the magnetic flux associated okay with the secondary coil, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, phi s okay yes। हालांकि ये जो produce हो रहा है okay, तो phi p produce हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा flux जो है हम लोग बोलेंगे वो secondary coil से associated नहीं okay yes। हम लोग क्या बोलते हैं, the magnetic flux phi s which is associated with the secondary coil okay, it directly depends on what, the value of current IP। बिल्कुल सही है, IP का value ज्यादा रहेगा तो phi s का value भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं phi s is proportional to what, IP। ये clear है, therefore phi s is equal to what, m times IP where m is called coefficient of mutual induction or mutual inductance of the coil। The EMF induced in the secondary coil s at any instant is given by es is equal to what, minus d phi s by dt, that is माइनस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एम इंटू आई पी। ये जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था हम लोगों ने एग्जैक्टली वैसा ही, तो फायस को अभी क्या सब्सिट्यूट किया हम लोगों ने, एम इंटू आई पी। अब यहाँ पे एम हम लोगों ने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया तो आपको क्या मिला, माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी। ओके यस, इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी, ये जो एम है ओके पिछले टाइम कैपिटल एल था, दैट वॉज सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे जो कैपिटल एम है इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके यस, तो अगर इसका मैंने बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया ओके तो हम लोग बोलेंगे द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी कैपिटल एम इनटू
डीआईपी अपॉन डीटी, यानी हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम इज नथिंग बट इक्वल टू ईएस अपॉन डीआईपी बाय डीटी। अब ये जो है कैपिटल एम, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल या बिटवीन टू कॉइल्स, ओके। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हम लोग बोलेंगे ओके म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओके करंट दैट चेंजेस इन द प्राइमरी कॉइल। ये आपको आ रहा है समझ में, करंट चेंजेस इन द प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके टी, ओके। एनीवे इसका भी जो यूनिट है तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी व्हाट, हेनरी। और इसका जो डायमेंशन आने वाला है वो सेम रहेगा, इट विल बी एल टू एम वन टी माइनस टू आई माइनस टू। ये क्लियर है, ओके। अच्छा, इसमें एक और बात दिया हुआ है, नोट दैट अलॉन्ग विद म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द कॉइल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन का भी फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ फ्लो ऑफ स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ओके। We have studied Ampere circuit law, okay, to find the magnetic induction due to current carrying conductor, okay. Magnetic effect of electric current में हम लोगों ने देखा था, okay, Ampere circuit law, okay. अब हम लोग बोलते हैं according to Ampere circuit law, the line integral of magnetic induction B around a closed loop is mu zero times the net current that is passing through the area bounded by that closed loop, okay. ये हम लोगों ने जो chapter 14 है उसमें देखा हुआ है, line integral बोलो या cyclic integral बोलो, okay. वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, यू जीरो टाइम्स आई, ओके। ये तो क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल फाउंड एन इनकंसिस्टेंसी इन द अबव रिलेशन एंड स्टेटेड मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ, ओके। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन थे, तो पहला जो पार्ट है एलएचएस का वो वैसा ही, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ओके, प्लस यहाँ पे एक और एलिमेंट ओके ऐड हो गया, दैट इज म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू डी फाई ई बाई डी टी, ओके। इसमें से म्यू जीरो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में, आई प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी, ओके। वेयर हम लोग बोलेंगे फाई ई रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप, ओके। इफ वी कंपेयर इक्वेशंस 16.5 एंड 16.6, वी कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक कंडक्शन करंट आई ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स has been replaced by okay I plus epsilon d phi e by dt, the quantity d phi e by dt okay into epsilon naught is called displacement current। ab basically kya hai, to agar hum log ye wala equation dekhenge, okay, line integral of vector b dot vector dl which is equal to mu 0 into I, ye jo I hai wo I kisse replace ho gaya hai, to agar aap yahan pe dekhte ho wo jo I hai it has been replaced by I plus एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी ये एक और एडिशनल करंट है, ओके। ये एडिशनल करंट जो था वो पहले के इक्वेशन में इन्होंने ओके उसको कंसिडर नहीं किया था। अब वॉट एग्जैक्टली इज डिस्प्लेसमेंट करंट वो हम लोग समझते हैं। हम लोग बोलते हैं द डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट आई, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरीज विद द टाइम, ओके। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग अबव ट्रीटमेंट वी कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दस द मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय स्टेडी कंडक्शन करंट्स बट ऑल्सो ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दिस गिव राइज टू अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम एंड वन प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ अदर, सच वेव इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब बेसिकली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ओके ये जो इनकंसिस्टेंसी फाइंड की, ओके, तो इनकंसिस्टेंसी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये ना अगर एक कंडक्टर है उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
एंड ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्लियर है? तो ये जो पैरामीटर है ओके, हम लोग बोलते हैं कि ये एम्पियर सर्किट एंड लॉ जो है उसमें कंसिडर नहीं किया ओके, और ये जो करेक्शन है ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया इसमें ऐड कर दिया। ये क्लियर है? ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं अगेन, यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ इसको एसोसिएट किया है। मैं ये पैराग्राफ वापस रीड करता हूँ। यूजिंग अबाउट ट्रीटमेंट वी कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके यस, अब ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बोलेंगे दस मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय स्टेडी कंडक्शन करंट्स बट आल्सो बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी दिस गिव राइज टू अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम वन प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ अदर। ओके, सच वेव इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ओके, मैं आपको एकदम इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, ये जो पैराग्राफ है इसको कैसे लिंक करेंगे, तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है ओके, वो करंट जो है वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब हम लोग बोल रहे हैं ये जो करंट है वो क्यों फ्लो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या रहने वाला है, हम लोग बोलेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट हो, ये बात ध्यान में रखो, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा एंड इट विल गिव राइज टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां तक क्लियर है? लेकिन यही चीज अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ओके एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करता हूँ, अब आइसोलेटेड चार्ज जो है हम लोग बोलते हैं उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, मूव किया। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट हो रहा है ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज क्या होगा, एक तो ऑसिलेट होगा या एक्सेलरेट होगा। ओके, अब हम लोगों ने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये भी सीखा हुआ है, व्हेनेवर अ चार्ज ऑसिलेट ओके इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी एक एनर्जी एमिट होती है और वो जो एनर्जी एमिट होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली क्या है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके, इट गिव्स राइज टू व्हाट, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम सिंपल लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ रहा है, वो जीरो से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से जीरो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जीरो से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से जीरो जाएगा। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? और हम लोग बोलते हैं कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मुझे वापस क्या देता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे ये जो दोनों फील्ड्स है वो क्या है, हम लोग बोलते हैं कोडिपेंडेबल। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग बोलते हैं यही कंसेप्ट है कि जो एनर्जी रहती है जो प्रोपोगेट हो रही है मीडियम में ओके, या फिर वैक्यूम में प्रोपोगेट हो रही है, तो उसकी एनर्जी पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड में ओके, हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, एनीवे मैं आपको ये पूरे जो पार्ट है ओके, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है उसमें बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें ये एक एडिशनल टर्म आ गया ओके, जिसमें से हम लोगों ने म्यू नॉट बाहर ले लिया, तो आपको जो टर्म मिलता है दैट इज व्हाट, I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर आपको ये समझा है ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार अच्छे से नोट कर लो, और अगर नहीं समझाया तो मुझे ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको बस ये क्वांटिटी ध्यान में रखनी है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, वी नो दैट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज मोस्टली एसी इन नेचर। ओके, दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड इज ट्रांसमिटेड टू सब स्टेशन फ्रॉम देयर टू द यूजर। ओके, अब हम लोग बोलते हैं कि जो पावर स्टेशन पे जो वोल्टेज जनरेट होता है उसका वैल्यू क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, तो ये जो हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहता है इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, yes, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली हमें इसका वैल्यू क्या करना रहता है, कम करना रहता है, और वो किसके मदद से करते हैं, द डिवाइस विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस विल हैव टू चेंज फ्रॉम हाई टू लो वैल्यू एट वेरियस स्टेजेस एंड दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। यू मस्ट हैव सीन दीज ट्रांसफॉर्मर बाय द रोड साइड इन द विलेजेस एंड सिटीज। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन जैसे ही बोला तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक कॉइल प्राइमरी कॉइल रहेगी और एक क्या रहेगी, सेकेंडरी कॉइल रहेगी। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। ओके, इन्हें हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी कॉइल का जब फ्लक्स चेंज होगा
तो जो सेकेंडरी कॉइल रहेगा उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस सी, ये आपका क्या है, तो दिस इज बेसिक योर बेसिकली योर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ओके, और ये उसका हम लोग बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये हम लोग बोलेंगे बीच में क्या है, कोर है, ओके। कोर का मेन काम क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, सेकेंडरी कॉइल पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ऐसा समझ लो आप, ओके, यस। अच्छा, और कोर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल को सेपरेट भी करता है, ये भी ध्यान में रखो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिवली सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचे वो हम लोग बोलते हैं कोर का काम रहता है। अब कोर किसका बना रहता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। एनीवे, तो ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर एज शोन इन द फिगर, ओके। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ओके, तो ये आपका प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, वी से दैट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये आप लोगों ने सीखा है, ओके। और अगर मैं बोलता हूँ कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो वी से प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड एज आउटपुट कॉइल। व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल द करंट थ्रू द कॉइल गोज ऑन चेंजिंग, ओके, हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर ऑल्सो चेंजेस। एज दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल, ओके, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ओके। हम लोग बोलेंगे लेट फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न विद बोथ द कॉइल्स, ओके, एट अ सर्टन इंस्टेंट टी, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एनपी एंड एनएस बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने एक बेसिक कंसेप्ट क्या लिया हुआ है, जो दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, ओके, तो पर टर्न जो फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी फाइव, यानी हम लोगों ने एक तरह से उसको एवरेज आउट कर लिया, ओके। तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल एट अ सर्टन इंस्टेंट टी विल बी व्हाट, सो इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इनटू फाइव, ओके, कि फाइव क्या हम लोग बोल रहे हैं, इट इज फ्लक्स एसोसिएटेड पर टर्न, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल एट अ गिवन टाइम इंटरवल टी वो क्या रहेगा, इट विल बी एनपी इनटू फाइव। एंड सिमिलरली मैं बोलूंगा जो सेकेंडरी कॉइल रहेगा उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा दैट विल बी कैपिटल एनएस इनटू फाइव, ये क्लियर है। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय, अब यहाँ पे पहला ईपी है और दूसरा क्या है ईएस है। ईपी क्या है तो हम लोग बोलेंगे बाय लेंस लॉ इट इज गोइंग टू बी माइनस डी फाइव बाई डी टू, लेकिन ईपी क्या है तो ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, तो हम लोग बोलेंगे डी फाइव की जगह पे क्या आएगा डी फाइव पी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ओके मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके। तो इसमें जब फाइव पी का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी एनपी इंटू फाइव, तो ये एनपी बाहर आ जाएगा, ये आपको आ रहा है क्या समझ में, फाइव पी का वैल्यू क्या है, इट इज एनपी इंटू फाइव, तो एनपी इज वॉट नंबर ऑफ टर्न्स ओके ऑफ कॉइल फॉर प्राइमरी कॉइल, ओके, या हम लोग ऐसे बोलेंगे इट इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये क्लियर है। तो माइनस एनपी हम लोग बोलेंगे या फिर एनपी को बाहर ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी माइनस एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी, और सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो ई एस रहेगा दैट विल बी वॉट माइनस डी फाइव एस बाई डी टी, अब फाइव एस का वैल्यू क्या है, इट इज एन एस इंटू फाइव, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ns बाहर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा माइनस ns इंटू डी फाइव बाई डी टी, ओके। ऐसे केस में अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करता हूं या फिर ऐसे बोलता हूं दिस इज योर इक्वेशन सेकंड और ये ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग बोलेंगे es अपॉन ep विल बी इक्वल टू व्हाट ns अपॉन np, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ओके। द रेशियो ns अपॉन np इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशियो, ओके, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, आइदर इट इज कॉल्ड एज टर्न रेशियो, ओके, ये ध्यान में रखो एनएस अपॉन एनपी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ओके। इसमें हम लोग बोलते हैं कि एनएस अपॉन एनपी में ये बात ध्यान में रखना है, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन वन एनएस अपॉन एनपी का उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, और एनएस अपॉन एनपी का वैल्यू इफ इट इज लेस देन वन तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ओके। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लोग बोलते हैं जो इनपुट पावर अप्लाई कर रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉट आउटपुट पावर, यानी हम लोग बोलेंगे EP into IP, okay, which is input power, and ES into IS, which is what output power. तो ये दोनों क्या रहेंगे equal रहेंगे. तो इसका equation क्या मिलेगा? EP into IP will be equal to ES into IS. यानी ES upon EP क्या हो जाएगा? It will become IP upon IS. इसको rearrange किया तो आपको मिलेगा ES upon EP is equal to NS upon NP. But NS upon NP क्या है? Okay,
हम लोग बोलते हैं कि ऊपर की इक्वेशन में ई एस अपॉन ईपी क्या मिला है हमें, आईपी अपॉन आईएस। तो एनएस अपॉन एनपी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इक्वेट करते हैं एस आईपी अपॉन आईएस। हेंस वी गेट अ कॉमन इक्वेशन जिसमें तीनों इक्वालिटी हम लोगों ने लिया हुआ है। ई एस अपॉन ईपी विल बी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, बट इट विल बी इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे कि जो प्राइमरी कॉइल का करंट है वो ऊपर आएगा और सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या होगा, नीचे आएगा। वापस वापस आपको मैं बता रहा हूँ, ई एस अपॉन ई पी विल बी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी विल बी इक्वल टू वॉट आई पी अपॉन आई एस। ओके, बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो द ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ टू टाइप्स, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, हम लोग बोलेंगे द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप। वोल्टेज इज स्टेप्ड अप यानी क्या, तो जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं ई पी, ओके, उसके कंपेरिजन में जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज रहने वाला है ई एस, उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इन दिस द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द ओके करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये ध्यान में रखना है, ई एस का वैल्यू इज ग्रेटर देन ईपी, बट आई एस का वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन आई पी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग बोलेंगे, इफ एन एस इज लेस देन एन पी, यानी नंबर ऑफ ओके टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, इफ इट इज लेस देन वॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द वोल्टेज इज वॉट स्टेप डाउन, यानी ई एस का वैल्यू विल बी लेस देन ईपी, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। In this, the current in the secondary coil is greater than that of the current in the primary coil. I hope आपको ये clear है, okay? अब इसके बाद आपका जो next concept है वो आपको दिया हुआ है, coil rotating in uniform magnetic induction, okay? या uniform magnetic field. यानी ये basically क्या है, this is your AC generator, ठीक है? Yes. अब ये जो AC generator है उसमें आपको क्या बोला हुआ है, basically consider a coil of n turns with effective area, okay? Capital N into A. Placed in uniform magnetic induction B as shown in the figure. ठीक है, अब ये डायग्राम समझने के लिए ओके मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप ये जो कॉइल है उसको आप साइड से देख रहे हो, यानी ये इसका साइड व्यू दिख रहा है आपको। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि आप ये कॉइल का एक एज देख रहे हो, ओके? आप इसको अगर सामने से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कॉइल, यानी ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या फिर अगर मैं सर्क्यूलर कॉइल लेता हूँ तो वो सर्क्यूलर रहेगा, ठीक है? और ये जो फ्रेम है या ये जो हम लोग बोल रहे हैं ओके, ये फ्रेम के ऊपर क्या रहेगा, तो कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, ओके? जैसे ये देखो, ये हुआ आपका एक टर्न, क्या आपको आ रहा है समझ में, वन टर्न ऑफ द कॉइल। तो इफेक्टिव एरिया कितना होगा, हम लोग बोलेंगे देखो अभी ये आपको ऐसा दिया हुआ है डायग्राम में, और जो फ्लक्स पास हो रहा है वो ये डायरेक्शन में पास हो रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके? तो इनिशियली जो आपको ब्लू आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ब्लू डायग्राम क्या है, तो वो कॉइल का साइड व्यू, ठीक है? यस, और मैं अभी आपको इसका फ्रंट व्यू बता रहा हूँ। तो हम लोग बोलेंगे कि एक टर्न के लिए इफेक्टिव एरिया क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ए, ठीक है? अब मैं अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ, लेट अस से इसके ऊपर 100 टर्न्स है, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इफेक्टिव एरिया क्या रहेगा, इट विल बी 100 टाइम्स ए। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके? अब ये जो कॉइल है ओके, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सेल रखा हुआ है हम लोगों ने, वो एक्सेल के अबाउट ये कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, ओके? या इस तरह से रोटेट होगी, मैं उसको ऐसे दिखा देता हूँ। तो जो कॉइल है वो इस तरह से रोटेट हो रही है, यानी ये जो एंगल था ओके, ये वर्टिकल पोजीशन था। जब कॉइल रोटेट होगी तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, उसका एंगल मेजर करेंगे लाइक दिस, ओके? तो ये वर्टिकल पोजीशन था, तो जो उसका एंगल मेजर हुआ उसको क्या बोलेंगे, थीटा, ओके? ये क्लियर है आप लोगों को, मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज योर कॉइल और इसके ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ये उसका इफेक्टिव एरिया है। सो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बोलेंगे जो इफेक्टिव एरिया रहेगा दैट विल बी कैपिटल एन इनटू ए। ये क्लियर है? अब मैं आपको बोलूंगा सिर्फ जो ब्लू पोजीशन है उस पर ध्यान देना। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो कॉइल के एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर, ओके? बोलने का मतलब क्या है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के आर पार जा रहा है लाइक दिस, ये आपको कॉइल का साइड व्यू दिख रहा है, ओके? तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से अगर ये एरिया है ओके, तो जो एरिया वेक्टर रहेगा वो ऐसा रहेगा, आपको याद है मैंने आपको डीएस वेक्टर बताया था। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में, ओके? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द कॉइल या परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द फ्रेम, ओके? और हम लोग बोल रहे हैं कि जो एरिया का जो एरिया वेक्टर रहेगा वो भी कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो बी और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और हम लोग बोलते हैं फ्लक्स जो रहता है, तो फ्लक्स क्या रहता है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल फाई इज नथिंग बट इक्वल टू बी डॉट डीएस, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बी डी एस कॉस थीटा, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल क्या है, जीरो है, तो कॉस जीरो क्या हो गया, वन, एंड हम लोग बोलेंगे फाइव विल बी इक्वल टू वॉट, बी इंटू डी एस, डी एस के जगह पे मैं एक्चुअली एरिया कंसिडर करूंगा कॉइल का, दैट इज गोइंग टू बी बी इंटू ए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो कॉइल है उसका एक टर्न नहीं है, उसके टोटल कितने टर्न है, हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल एन टर्न, तो जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा फॉर द कॉइल वो सिर्फ बी इंटू ए नहीं रहने वाला, इट विल बी एन इंटू ए विच इज द इफेक्टिव एरिया इंटू बी, ये क्लियर है, ओके okay? और ये केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिए वो ब्लू केस के लिए लिख के दिया मैं, ओके okay? जब कॉइल रोटेट होती है लाइक दिस, ओके, ये कॉइल का साइड है आपको दिख रहा है, जब कॉइल रोटेट होगी यानी एक एंगल थीटा बनाएगी, ओके okay? तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एंगल अगर थीटा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इफ दिस एंगल इज थीटा, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है और जो एरिया वेक्टर रहेगा उसके बीच में भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये आपको आ रहा है समझ में, ये हम ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ओके okay? तो ऐसे केस में हम लोग अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन द एंगल इज थीटा मैं बोलूंगा जो फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव एरिया इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये क्लियर है। अब आपके टेक्स्ट बुक में देखते हैं, द कॉइल इज रोटेटेड कंटिन्यूसली विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय कैपिटल एन इंटू ए इंटू बी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ओके, इन स्मॉल टाइम इंटरवल टी, ओके, द प्लेन ऑफ द कॉइल एज शोन इन द फिगर, ओके, इन टाइम टी द प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, ओके, हेंस नॉर्मल टू द प्लेन द कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, देयरफॉर इन द सेकंड केस, यानी ये वाला जो है जो आपको ट्रांसपेरेंट या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे कोई कलर उन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो ये जो सेकंड वाला डायग्राम है केस जो है, ओके, उसके लिए हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स एसोसिएटेड, ओके, विल बी व्हाट, सो फाई विल बी इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो कॉइल है इट इज रोटेटिंग एट वॉट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो कहना इसे इन टाइम टी अगर वो थीटा एंगल बनाता है तो हम लोग बोलेंगे थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, ओमेगा इंटू टी, ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे फाइ इज इक्वल टू वॉट एन ए बी कॉस थीटा, दैट इज एन ए बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके, सो बाय लेंथ लॉ हम लोग क्या बोलेंगे, जो ई एम एफ इंड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि एक कॉन्स्टेंट फील्ड, एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट हो रहा है, अब जब कॉइल रोटेट होगा तो हम लोग बोलेंगे उसके साथ कॉन्स्टेंटली क्या होगा, जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो भी चेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे ई विल बी इक्वल टू वॉट, यानी उसके अंदर ई एम एफ इंड्यूस होगा विच विल बी गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह पे हम लोगों ने एन ए बी कॉस ओमेगा टी डाल दिया, अब इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, कैपिटल एन, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वो बाहर आ गया, और हम लोग बोलेंगे ओके डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ओके, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो ई विल बी इक्वल टू वॉट माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज इट इज गोइंग टू बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी, ओके, कॉस थीटा के जगह पे क्या आएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके, तो माइनस एन ए बी बाहर हो गया, डी बाई डी टी ऑफ, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे माइनस एन ए बी को वैसे ही रहने देते, ओके, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी अगर होता तो वो क्या होता, माइनस साइन टी, लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी है तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्लियर है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी एन इंटू ए इंटू बी इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट अस से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट हो रहा है, ओके, उसको अगर मैं बोलता हूँ इफ इट इज एफ, तो ओमेगा का जो वैल्यू रहेगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, टू पाई एफ, और यू कैन से इट इज गोइंग टू बी टू पाई एन, फ्रीक्वेंसी है ना क्या, तो कौन से आरपीएस के ऊपर वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ओके, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि e विल बी इक्वल टू व्हाट, सो वी आर गोइंग टू से, ओके, जो ओमेगा है उसके जगह पे मैं डाल देता हूँ टू पाई एन, ओके, कैपिटल एन इंटू ए इंटू बी साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्लियर है, आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, उन्होंने टू पाई एन के जगह पे टू पाई एफ लिया हुआ है, ओके, एन ए बी साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल
एट एनी इंस्टेंट टी, हेंस ई इज नोन एज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये क्लियर है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे जब ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय टू होगा। ओके, ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय टू कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा क्या है, इसे ओमेगा इज टू पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा इंटू टी, ओके, जब हम लोग टी का वैल्यू, दैट इज ए स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, वी आर सेइंग इट इज टी बाय फोर। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी क्या हो जाएगा, टू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाय फोर, यानी कितना हो जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय टू। तो ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय टू हो गया, तो साइन पाई बाय टू क्या हो जाएगा, वन। ऐसे केस में जो ई एम एफ रहेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट, विच विल बी टू पाई, एन के जगह पे मैं एफ डाल देता हूँ, कैपिटल एन ए इंटू बी। तो ये जो वैल्यू है, ओके, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको ई एम एफ का इक्वेशन क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ओके, साइन ऑफ ओमेगा। तो एक बार बस हम लोग चेक कर लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही बोला हुआ है, द ई एम एफ ई वेरीज एज साइन ओमेगा टी वेरीज, ई इज मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वन। और वो कंडीशन अभी मैंने आपको बताया, साइन ओमेगा टी वन कब रहेगा, जब स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी बाय फोर, ये ध्यान में रखो। तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी जो ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है उसका नेचर क्या होने वाला है, साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। यस, एज द ई एम एफ ई इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरीज विद द टाइम और साइन ओमेगा टी, हेंस ई एम एफ इज साइनोसॉइडल ई एम एफ। ओके ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ एन ए सी जनरेटर, ठीक है। ये आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, अभी द ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी, और स्मॉल टी इज अ साइन कर्व एज शोन इन द फिगर। इट इज फाउंड दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एंड नेगेटिव ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल, देयरफॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। यस, तो आप देख पा रहे हो कि ये हम लोग बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी बाय फोर पे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, टी इक्वल टू टी बाई टू पे हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके, क्योंकि ओमेगा टी का वैल्यू पाई हो जाएगा, तो साइन पाई क्या होने वाला, इट इज गोइंग टू बी जीरो। फिर हम लोग बोलेंगे थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर के लिए हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी का वैल्यू थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ई रहेगा दैट विल बिकम वॉट, माइनस ई नॉट, और फिर हम लोग बोलेंगे टू पाई के लिए वापस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। तो ये आपको जो साइकिल दिख रही है, साइनोसॉइडल इन नेचर, ओके। In one complete cycle, the average value of EMF is zero. ये आपको ध्यान में रखना है, okay? The maximum value of EMF is known as peak value, which is given by what? E naught, which is equal to NAB into omega, okay? In an electrical circuit, the source of an alternating EMF is shown by this symbol, okay? ये जो symbol आपको दिखाया है, वो किसका है? It is of AC, okay? ये clear है आप लोगों को? तो I hope आपको AC generator का जो concept है, okay? वो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? ओके यस, तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है, ओके, ये पूछ लेना है ग्रुप पे, ओके, और प्लीज ये जो लेक्चर है, ओके, तो उसको क्या करना है, आप लोगों ने एक बार देख लेना है कि आपके पास वापस एक ही ये चांस है, ओके, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा है तो वो आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। यस, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे या मुझे पर्सनली भी मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। यस, एनीवे हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है।